खंडवा लोकसभा के सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट रिक्त होने पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। उसी के चलते बागली विधानसभा में भी राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। बागली के चापड़ा में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करके उपचुनाव का शंखनाद कर दिया गया है। इस अवसर पर बागली विधानसभा चुनाव प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी, टिकेंद्र प्रताप सिंह, बागली विधानसभा के चारों मंडल के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसी दौरान एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मंच पर विराजित अतिथियों द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। उक्त सभा में सभी अतिथियों के संबोधन में हाट पिपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का मुद्दा छाया रहा। हालांकि बागली जिले के मुद्दे से नाराज कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। वहीं बागली विधानसभा चुनाव प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत के मंत्र दिए। वहीं सभी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर काम करते हुए भाजपा के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को जीत दिलाने का वचन दिलाया। क्या किस तरह से जीत को मंत्र दिया है? मैं आज बागली के मुख्य चुनाव कार्यालय का यहाँ शुभारंभ हुआ है और आप जैसा कि देख रहे थे कि सारे ही मतदान केंद्र के प्रभारी हमारा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार आज मंच पर मौजूद था। सब संकल्पित हैं प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बागली से सोमेश उपाध्याय की रिपोर्ट।